माओवादियों की खोखली विचारधाराओं से तंग आकर सुकमा जिले में लगातार माओवादियों ने आत्मसमर्पण कर रहे हैं। एराबुर थाना क्षेत्र से माओवादी संगठन में सक्रिय रहे 3 महिला समेत 34 माओवादियों ने हिंसा का रास्ता छोड़कर मुख्य धारा में लौट आए हैं। सभी माओवादियों ने सुकमा SP के समक्ष समर्पण किया है। इस दौरान एराबुर थाना प्रभारी दौरनापाल STOP दौरनापाल थाना प्रभारी उप निरीक्षक भी मौजूद रहे। सुकमा पुलिस DS मराबी के नेतृत्व में लगातार माओवादियों के खिलाफ ऑपरेशन चलाया जा रहा है, जिसके दबाव के कारण लगातार माओवादियों सिलेंडर कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ शासन की पुनर्वास नीति व प्रोत्साहित राशि दी जाएगी। सिलेंडर माओवादियों मानिक कोंटा मेटार गुड्डा मराई गुड्डा राजस्व क्षेत्र में कई माओवादियों घटनाओं में शामिल रहे हैं। आज थाना एराबुर में उच्च अधिकारियों के निर्देशानुसार पुलिस अधीक्षक सुकमा मेरे उपस्थिति में और SDOP दौरनापाल SHO एराबुर SHO दौरनापाल एवं पूरे एराबुर थाना के समस्त स्टाफ के द्वारा इनके अथक प्रयास से 34 माओवादियों से जुड़े लोगों का सरेंडर कराया गया है, उनको समर्पण कराया गया है। उसमें जो प्रमुख है वर्तमान में कार्यरत था वो मड़वी हिड़मा मड़वी हिंगा जो डब्बा कोंटा जनताना सरकार का अध्यक्ष, उसके साथ साथ डब्बा कोंटा RPC के अंतर्गत वन विभाग का अध्यक्ष के पद पर था, जो एक भरमार बंदूक के साथ आत्मसमर्पित किया है। और 17 स्थायी वारंटी हैं जो विभिन्न अपराधों में संलग्न रहे पूर्व में, उनके नाम से बहुत पहले से स्थायी वारंटी था और वो नक्सली संगठन के कई संगठनों में सदस्य और अध्यक्ष रहे हैं, वो भी आत्मसमर्पित किए हैं, तथा 16 अन्य व्यक्ति हैं जिनके नाम से वारंट तो नहीं है लेकिन नक्सली संगठन अग्र संगठन के सदस्य थे। ऐसा कुल मिलाकर के 34 लोगों को 34 लोग आत्मसमर्पण किए। ये सभी पूर्व में किसी न किसी रूप में माओवादियों से जुड़े हुए थे और सक्रिय रहे हैं।